किनके खिलाफ, किनके खिलाफ आप जीते हैं मुझे ये बता दो, किनके खिलाफ आप जीते हो? नीदरलैंड के खिलाफ, लंका के खिलाफ? ये मतलब कि 4 साल हमने ये मेहनत की है, ये 4 साल मेहनत की है। यार इन्होंने दिल तोड़े हैं, 25 करोड़ आवाम के दिल तोड़े हैं इन्होंने। तक बाबर को केशव महाराज बजाता रहेगा, कब तक बजाता रहेगा? कभी बॉलिंग से बजाता है, आज उसने विनिंग शॉट। तो ऐसा नहीं हो गया किसी को रोटी दिखाई तो 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 आ जा 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 जा, वो पास आने लगा ऐसे जीभ निकाल के पास आने लगा, हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, पट दे ही कान पे एक मारी, वही वही लटा के वही लटा दिया तुमका। तुम तुम धूम जा बेगारत किस्म के बोर्ड में वो लोग जहाँ पे लुटेरे और बेचने वाले मुल्क फरोश जमीर फरोश हो, जहाँ बाहर से पानी की बोतल भेज के चीजें चेंज की जाए। और नवाज इतना कोई घटिया किस्म का बंदा है ये, इतना कोई लिसड़ किस्म का बंदा है, नहीं जाएगा कोई नेपाल नहीं जाएगा। की तेजी साल है, छोटी छोटी खुशियों में जीने वाले T20 की पैदाइश। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से इस टाइम बाहर हो चुका है। फंस गए हम, कहां ले आया खुदा तू हमें, ये कौन सी बलाएं हमें मिल गई है। हाथ में आया हुआ मैच इन लगोड़ू ने, इन 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 घंटू ने मैच का सत्यानाश करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया, पर वर्ल्ड कप का मजा बेकार हो गया है। पूरे इंडिया के लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीते और सेमीफाइनल में इंडिया से फिर एक बार मुकाबला हो, पर बाबर और उनकी कंपनी को जल्दी है घर जाने की। कल का मैच आसानी से पाकिस्तान जीत जाती, पर पाकिस्तान का लक और खराब बैटिंग की वजह से पाकिस्तान ने जीता मैच हार गया। इस मैच के हीरो एडम मकरम रहे, जिन्होंने 93 गेंदों पे 91 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद केशव महाराज ने लास्ट में आकर प्रेशर में बैटिंग की और हारा मैच को साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दिया, जिसके बाद पाक मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। यानी कि तुम्हारी कामयाबियों के लिए आज लरसती भी आवाज रवि शास्त्री की सुनी है मैंने कॉमेंट्री के अंदर, वो चिल्लाया भी है, शाउट भी किया उससे यार पाकिस्तान की फील्डिंग के ऊपर, खास तौर पे रन आउट जो मिस आपने किया है, टाइमली रन आउट भी आपने मिस किए। फिर बाबर का रवैया यार टुवर्ड्स वसीम, एक आदमी लंगड़ा है, वो कह रहा है कि मैं कर लूंगा, तुम उस पे कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हो जाकर यार, और उसको पता नहीं क्या गालियां देकर समझा रहे हो। तुम्हारा ये रवैया क्रिकेट में जो है वो वही पाकिस्तान की हार की तरफ की अथॉरिटी इस्तेमाल करनी थी तो ये गालियां तुम देते रिजवान को, जिस तरह वो साले का गालियां कह रहा है कि मैं कर लूंगा मैं देख लूंगा, ये तुम बाबर आजम जाके रिजवान से पूछ रहे हैं किसको ओवर कराऊं, मेरे पेसर के ओवर खत्म हो गए। यार शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, इसने क्रूशल क्रंच मैच में नंबर 4 पे किस किस्म की अप्रोच से बल्लेबाजी की है। ये विकेट देने आया था, ये सिर्फ ये शो कर रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद मुझे ड्रॉप नहीं करना, देखो मैं तेज बैटिंग करके दिखा रहा हूँ। इसके पास कोई मेरे मुल्क को जिताने का प्लान नहीं था। अगर वाकई आप में जो फॉर्मर क्रिकेटर जारो जका शरफ के पास अगर वाकई आप में पाकिस्तान का दर्द है, तो सबसे पहले इस टीम को बर्बाद करने वाले इस शब्बे राती को, ये जो इतनी मोटे मोटे होट करके भाई इसने जो लगाया, पता नहीं इसने चूना लगाया है या लिपस्टिक लगाई है, ये एंड्रू साइमंड बन रहा है, हालांकि महरूम के एक होट में ये पूरा आ जाए। अब राजम टॉस जीतता है तो वो कहता है कि मैं पहले बैटिंग कर लूंगा, अरे तू पहले बैटिंग कर ले बाद में कर ले, तेरे को आता है नहीं तो हमको कोई दिक्कत है नहीं है। भाई साहब मैच जीतने के लिए 100 ओवर क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ता है, सामने वाली टीम से 4 कदम आगे रहना पड़ता है, टॉस हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता। वो मोहम्मद हफीज पाकिस्तान में बैठ के कहते कर 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 कॉइन दिखाया करो, कॉइन दिखाया करो, देख ले कॉइन, अब तो तू ही जीता है टॉस। इनको ये लगता है हम टॉस भी हार जाते हैं ना तो अभी हमारे अंगेंस्ट चली जाती हैं चीजें, इसलिए हम मैच हार जाते हैं। अबे नल्लो तुम खेलते नहीं हो अच्छा, एक एक रन इतनी आसानी से देते गए, जब 8 आउट हो गए थे मुझे समझ नहीं लगा। अबे घेर लो ना चारों तरफ से, लगा दो ना 3 स्लिप, क्या रूल में लिखा हुआ है क्या 35 ओवर के बाद 3 स्लिप नहीं लगा सकते? लगा दो ना 3 स्लिप, लगा दो गली, लगा दो शॉर्ट लेग, लगा दो सब कुछ लगा दो ना, बनाओ प्रेशर, मारो छाती पे बॉल। अगर उसने उठा के मारा एक फील्डर पीछे रखो, आगे आउट होगा ना, अकल नहीं है दो कौड़ी की भी, अंपायर्स कॉल को रोते रहना। अब दुख इस बात का कि हम टूर्नामेंट से
आपका पता नहीं हमें बड़ा दुख है, आपको तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, हमें बड़ी तकलीफ है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, आप जाके सुकून की नींद सोएंगे, हमारी जो आज की जो बिस्तर है वो कांटों का सेज से कम नहीं होगी, हमारी नहीं पूरे पाकिस्तान की, लेकिन आप जाके आराम से थके हुए आप सो जाएंगे, कैसी मेरी जो मैच की जो फीस है वो भी बन गई, मेरे जो पैसे बनने थे वो भी बन गए, मेरी जो 50 थी वो भी बन गई, मैंने मैच क्लोज लेके चला गया। आपकी मैं आई एम श्योर कि आपकी ये थिंकिंग होगी कि जी मैं मैच क्लोज लेकर गया हूं, चलो हम वन साइडेड मैच तो नहीं हारे, आप समझ रहे हैं कि इसमें आपकी जान छुटेगी, आपकी जान छुटने वाली नहीं है, ना ही हम और ना ही पाकिस्तानी कौम आपकी जान छोड़ेगी, हम आपको पूछेंगे, हम आपका एयरपोर्ट पे शानदार इस्तकबाल करेंगे, आप आए जरा इधर, ये भाई आज का मैच हम जीत जाते, यहाँ पर 20 रन और होता मैच जीत जाते, आप अपनी बोली की मैं शर्त लगा लो 20 रन और होता मैच जीत जाते, ब्लेम नवाज पे डालूंगा। नहीं ठीक है, वो नवाज की बॉलिंग भी बड़ी खराब डाली थी उसने, आखिरी बॉल में जाए बॉलिंग, आखिरी बॉल आखिरी चार बार तो खेलता रहा वो, भाई मैं कह रहा हूं आखिरी बॉल खराब डाली थी, सुन तो लेना पहले, बेकार आखिरी बॉल भी इतनी शॉर्ट में डाली है, वो भी लेग साइड में डाली है, वो भी बेकार बॉल डाली है, अगर हम थोड़ा सा मैच वन साइड हार जाते, थोड़ा सा मैच दूर से रहकर हार जाते, इतना अफसोस ना होता, इतना गम ना होता, लेकिन जितना हम जो है वो करीब आके मैच जो है वो हारे हैं, उतना हमें जो है उस टाइम गम हुआ है। क्रिकेटिंग इलिटरेट हो, जब बाबर आजम जैसा कप्तान हो, देखे बाबर का टेन्योर खत्म हो गया और यह होना ही था, 3.5 साल इसने मनमानी की, इसने विराट कोहली समझ लिया था, ही इज नॉट विराट कोहली, ही इज नॉट आई ऑफ विराट कोहली, के तो बहुत दूर की बात है, बात यह है कि जो करता है जैसी करनी वैसी बरनी, दोस्तियां यारियां पालता रहा, उसामा बाहर चला गया था, ये मोइन, ये सिक्कू, ये टिक्कू, ये पिक्कू, ये चिक्कू, ये आज क्या बोलेंगे, आज क्या, यस बाबर का बोलेंगे 50 से ज्यादा खेलता, 26 वाले ओवर खेलता, बेटा ये जो तुम अपने बाप सरफराज को बनाना चाहते हो 38 साल वाले को, जरूर बनवाओ, लेकिन ये याद रखना टीम के साथ जब तक ये इंजमाम मिसबा जका अशरफ सेठी मेठी ये लोग हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे डर है कि ये क्वालिफाइंग राउंड ना खेलें, ये जो 26 बॉलें इन्होंने खाई है वो 26, एक भी टॉक रशर नहीं, एक भी यॉर्कर नहीं, एक भी शॉर्ट पिच बॉल नहीं, वाइडे कर रहे हैं, सेंसलेस क्लूलेस, समझ ही नहीं आ रही क्या कर, स्लिप नहीं रख रहे, 5 बॉलर लगाया, फील्ड ब्लेसिंग इसकी देखे बाबर आजम की, पता ही कुछ नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूं आज का मैच हमारे जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम इतनी साजिश हो, जब घर को आग लग गई घर के चिराग से हो रहा हो, उसमें ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी हार मुझे नहीं बुरा लगता। वेल प्लेड साउथ अफ्रीका एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं सबने एक तरफा मैच जीता है, पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 47.2 ओवर में 9 विकेट खोकर 271 रन बना लिए और एक विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए बल्ले में साउथ शकील ने 52 और बाबर आजम ने 50 रन बनाए, सादाब खान ने 43 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के तबरेज शमसी ने 4 और मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एडम मकरम ने 91 रन और डेविड मिलर ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान के शाहिन अफरीदी ने 3 विकेट लिए। हरीश राव, मोहम्मद वसीम और उसामा मीन को 2-2 विकेट मिले हैं। इस मैच में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर हो गई है। वहीं पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान को इस विश्व कप में लगातार चौथी झेलनी पड़ी है। अब अपने बाकी सभी मैच जीतने पर भी बाबर आजम की टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए किस्मत के भरोसे रहेगी।